फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रेरणा तलवार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फर्स्ट बाइट टीवी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज देश भर में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस खास मौके पर हम यहां पर लोगों से पूछ रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक टीचर की क्या इम्पोर्टेंस है। क्या नाम है आपका? नाम है अनुप कुमार। आपकी लाइफ में एक टीचर की क्या इम्पोर्टेंस? मैम, टीचर एक मार्गदर्शक है। स्टूडेंट हो चाहे कोई आदमी हो, तो मुझे लगता है कि टीचर एक ऐसी रोशनी है जो अंधकार को दूर करते हुए उसे एक रास्ता दिखाता है। यहाँ वैसे तो लाइफ के फेजेज हैं, चेंजेस आते रहते हैं, और कोई ना कोई, अगर मैं शुरुआत करूँ तो फिफ्थ क्लास में एक हमारे भैया थे जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था, तो बेसिकली उनको मैं सबसे अच्छा टीचर मानता हूँ अपना, क्योंकि जो मैं फिफ्थ क्लास में उनसे कोचिंग मैंने जो की है मैथ की, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत मतलब सिंपल तरीके से समझाया ना, वो अब तक भी काम आ रहे हैं। उसके बाद में मैं अपनी केमिस्ट्री वाली मैम थी एक हमारी 9th क्लास में, तो उन्हें अपना आइडल मानता हूँ। और साथ ही साथ में तो ये मानता हूँ कि लाइफ का फेज़ है, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो बगैर टीचर के वो एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज आप उस चीज़ में शायद खुद से काफ़ी देर में हासिल कर पाओ। वैसे टीचर का महत्व तो यह है कि वो जो है बच्चे का भविष्य जो है टीचर के हाथ में होता है। बच्चे का भविष्य लेकर जो है सबसे पहले टीचर ही चलता है, उसका दूसरे स्थान माँ बाप होता है। तो आपको क्या लगता है कि पहले के समय में और आज के समय के जो टीचर्स का जो ग्रेड है या फिर उनकी जो रिस्पेक्ट है, उसमें कितना अंतर आया है बच्चों के एस्पेक्ट से? अगर देखो जी, वैसे तो बोलने वाली बात नहीं है, परंतु न तो ऐसे टीचर रह गए कोई है, न कोई अध्यापक ऐसा बच्चा रह गया कोई। पहले जो टीचर थे, अध्यापक थे, टीचर नहीं बोलते थे, अध्यापक बोलते थे या मास्टर जी बोलते थे, तो उनका हिसाब ये था कि उनका स्वार्थ जो है सिर्फ बच्चे का भविष्य बनाने के था, कमाने का स्वार्थ नहीं था उनका। तो फिर आप ज़्यादातर कमाने का स्वार्थ है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे ट्यूशन जाते हैं। स्कूल में पढ़ते या नहीं पढ़ते तो ईश्वर मालिक है। तो आपके जीवन में कोई ऐसी मेमोरी रही है जो किस्सा आप शेयर करना चाहें आपने किसी खास अध्यापक के प्रति? देखो जी, हमारे एक अध्यापक थे, वो गणित के टीचर थे, उस समय पे आते थे और बच्चे एक सवाल पढ़ा देते थे, फिर बच्चों को पूछते थे भाई जिसको आ गया वो खड़े हो जाओ, जिसको नहीं आया वो बैठे रहो। मैम देखिए, माता पिता ने जन्म दिया है, उसके बाद जो काम रह जाता है वो एक टीचर्स का ही रहता है, जो एक स्टूडेंट को अच्छी गाइडेंस देता है। समाज के बारे में एक टीचर ही है जो बच्चों को बताता है, जिस पथ पे हम चलते हैं वो टीचर का ही काम है कि हमें सही से गाइडलाइन देकर हमें एक अच्छा नागरिक बनाना, ये टीचर्स का ही काम होता है। और मैम, टीचर का मैं हृदय से रेस्पेक्ट करता हूँ कि टीचर्स हमें एवरीवेयर इन आवर लाइफ हमें सपोर्ट करते हैं। और टीचर्स का सबसे मेन जो फंडा है ना, वो ये है लाइफ में कि हमें वो आधार दे देता है, वो आधार दे देता है जिसको हम मतलब सोच भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी लाइफ क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग जीते हैं, माता पिता अपने अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, लेकिन टीचर हमें एक अच्छा नागरिक बनने में वहाँ तक सपोर्ट करता है, जिससे कि हमें मान लो किसी चीज़ में, सपोज दैट मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि साइंटिस्ट बनना कैसे है, तो उसमें एक टीचर्स की हेल्प से ही हमारी जो अंदर की क्वालिटीज़ हैं वो निखरेंगी। क्योंकि बेसिकली आई एम ऑल्सो अ टीचर इन डिग्री कॉलेज, सो टीचर्स का मैं ये मानता हूँ कि जितना एफर्ट टीचर देता है उतना एफर्ट बच्चे सोच भी नहीं पाते, क्योंकि स्टूडेंट गेट द 10% आउट ऑफ व्हाट द टीचर्स पेस टू दैट। तो मैम यही कहना चाहूँगा कि टीचर्स डे के मौके पे मैं अपने सभी टीचर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, और हम भी यही आगे प्रयास कर रहे हैं कि हम भी कुछ बच्चों को लाइफ में एक अच्छी गाइडलाइंस दें। मैम थैंक यू। मैम बच्चों के लिए वो ज्ञान का प्रतीक है कि बच्चों को वो आगे के पथ के पथमार्ग पर ले जाता है। देखिए, माँ बाप का काम होता है जन्म देना, जन्म देने से ही बच्चे का व्यक्तित्व या विकास नहीं होता है, लेकिन जो टीचर्स होता है, टीचर्स उसे, बच्चा मेहनत करता है लेकिन मेहनत किस दिशा में करता है वो टीचर रास्ता दिखाता है। टीचर्स एक बच्चे के लिए एक जन्नत यानी एक स्वर्ग का मार्ग होता है जिसे टीचर्स दिखाता है। और बच्चे की कामयाबी में सबसे जो अहम रोल होता है वो टीचर्स का होता है, वो उसे गाइडलाइन करता है टीचर्स। देखिए, टीचर हमारे एक आदरणीय प्रेरणा स्रोत होते हैं। जिस प्रकार हमारे गांव में किसान बीज बोकर छोड़ देता है और उसको पालने का काम एक माली करता है, इसी प्रकार हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन जो
टीचर का महत्व होता है, हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखता है, उसी प्रकार वे हमें हमारे मार्गदर्शन तक पहुँचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उसके लायक बनाते हैं। लाइफ में तीन टीचर्स रहे हैं जिन्हें मैं बहुत याद करता हूँ। एक तो मेरी थर्ड क्लास की मैम थी मीनू मैम, आज पता नहीं कहाँ है, जमाना हो गया मिले हुए। और एक मेरे टीचर थे पेंटल सर, जिनसे मैंने एक्टिंग का कोर्स भी किया था। और एक संदीप सर, एक दिल्ली में, मुंबई में, लेकिन आज बहुत टाइम हो गया मिले हुए और मन करता कई बार मिलने की, पर मतलब ऐसे ही काम वाम में सब इतने बिजी हो गए कि टाइम ही नहीं मिलता, अब फिर मुंबई जाएँ। और एक मेरे दोस्त थे, वो भी अलग हो गए, एक प्रांशुल कौशिक थे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते थे लाइफ में। तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं इन सबसे फिर से एक बार रीयूनियन करना चाहूँगा। टीचर की अहमियत वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ से पेरेंट्स का, मतलब पेरेंट्स जैसे एक ने जन्म दे दिया और हमें स्कूल के दायरे तक पहुँचा दिया, उसके बाद उनका रोल खत्म हो जाता है, वहाँ से फिर टीचर का रोल शुरू हो जाता है। तो टीचर हमें उस ऊंचाई तक पहुँचाता है जहाँ पेरेंट्स नहीं पहुँचाते। पेरेंट्स का काम यह है कि उन्होंने बड़ा कर दिया, फिर उसके पेरेंट्स का भी महत्व पूरा ही होता है, लेकिन वो शिक्षा को देते हैं, हाँ, तो वो इतनी शिक्षा देता है कि बच्चे को ये चीज़ आ रही है समझ में या नहीं आ रही है, मतलब वो कितना ग्रहण कर पा रहा है। मतलब सर इम्पोर्टेंट यह है कि पहले नंबर पे गुरु होता है, लेकिन पहले नंबर का माता पिता है जो अपना क्या है कि ओपिनियन देकर, मतलब कुछ भी डांटे या कुछ भी गए, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में सफल के लिए होता है, कुछ भी हो, लेकिन उसका हम गलत फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि मास्टर ने कुछ कहा, क्लास से निकले तो उसको गाली दी या कुछ भी, लेकिन वो सरासर गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि वो बंदा जब मास्टर हमको जब कहता है, जब हमारे में उसमें कुछ कमी दिखती है, और वो कमी हमें अगर हमारी पूरी होगी तो मास्टर कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने बराबर और बैठाएगा। ये मास्टर अगर माने तो जैसे माता पिता से भी एक ऊपर का दर्जा है, क्योंकि उसके बगैर हमारी लाइफ कुछ नहीं है। तो इस टीचर्स डे पे आप अपने किसी खास अध्यापक को, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सहायता की हो, बहुत मायने रखते हो, उनके लिए क्या कुछ शब्द कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि अपने गुरुजी के लिए दो लाइनें कहना चाहूँगा कि रेत की ज़रूरत रेगिस्तान को होती है और सितारों की ज़रूरत आसमान को होती है। गुरुजी आप हमारा यूं ही मार्गदर्शन करते रहिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत हर एक इंसान को होती है, हर एक इंसान को होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने गुरुजी का नाम ज़रूर बताएं, ताकि जब वो ये वीडियो देखें तो उन्हें प्राउड। हाँ, मैं अपने गुरुजी का नाम इस लायक तो होने की मैं उनको नाम से पुकारूँ, लेकिन आपने पूछा है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा जो कैराना विश्वविद्यालय में, कैराना कॉलेज में प्रोफेसर है रसायन विज्ञान के, डॉक्टर अजय बाबू शर्मा जी, मैं उनका शिष्य रहा हूँ और उन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ। और वे जब भी कोई संबोधन प्रेरित करते हैं तो मैं उनसे काफ़ी प्रेरित होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनका कुछ भी थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण, उनका जो अभिनंग है, उनकी जो बातें हैं, अपने अंदर डेवलप करूँ और अपने आप को भी उनके लिए कुछ थोड़ा सा जैसा वे है ऐसा बन पाऊँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भविष्य सुधारता है बच्चे के लिए और समाज का मार्गदर्शन भी करते हैं सर। मैं तो क्या कुछ कहना चाहते हैं टीचर्स डे पे, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं अपने खास अध्यापक? टीचर्स डे पे तो यही मैंने देना चाहता, क्योंकि अपने गुरुजनों का देखो सम्मान आदर सब करो, और उनके जो कार्य हैं जो करने के उनके सभी करो, फॉलो करो, उनका सम्मान आदर हमेशा करते रहो। गुरु जी माता पिता जी के बाद जो गुरु है उस भगवान है, जो हमें शिक्षा दे रहा उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। बस तो आपके जीवन में कौन है वो? एक मिस्टर गौरव त्यागी जी हैं, जिन्होंने मुझे आर्मी के लिए प्रेरित किया, मैंने तैयारी भी की है और अभी मतलब कंटिन्यू चल रही है, मेरे मार्गदर्शक वही हैं गौरव त्यागी जी। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं उन्हें? बस जी मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, मतलब उन्होंने उनके बहुत ही बच्चे हो गए हैं और मैं ये चाहता हूँ मतलब वो भी प्राइवेट हैं कि वो भी गवर्नमेंट हो जाएँ, बस मैं ये चाहता हूँ। टीचर के लिए ये कहना चाहूँगा, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि मैं उनका मतलब कैसे कर्ज उनको बया कर सकूं, अगर मैं कुछ कर सकूं। ये कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच टीचर्स, एंड इट वाज अ ग्रेट टाइम व्हेन आई लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, राइट फ्रॉम मॉरल एजुकेशन एंड टू एकेडमिक पार्ट, दे हैड प्लेड अ वेरी गुड रोल इन माय लाइफ। करते हैं उनको हमेशा से, बाकी ग्रीटिंग कार्ड खुद से हैंडमेड बनाते थे, क्योंकि वैसे तो रेडीमेड भी लेके देते, लेकिन हैंडमेड बनाते थे दिल से के सर को देते थे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। भाई मेरे लिए आप, मेरी एज 23 साल हो गए हैं, मैं जो मेरे गुरु थे एक रामबुल सर थे और एक आप हूँ, मैं आपसे बड़ा दर्जा, माँ बाप से बड़ा दर्जा आपको देता हूँ। माँ बाप तो मेरे थे ही, उन्होंने जन्म दिया, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी अब तक संवार दी।
और आगे हो सकता है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगा। यही कि यार तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं अब, और मन करता है कि तुमसे एक बार फिर से मिलें, फिर से सीखें और फिर से कुछ नया ट्राई करें। मैथ के सर थे हमारे नंदा सर, वे बहुत बढ़िया पढ़ाते थे मैथ, बारे में कहना चाहूँगा मैं तो। उन्होंने हमें मैथ काफ़ी अच्छा पढ़ाया और मैथ में हम अच्छा करते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर गुरु भी हैं, शिष्य भी हैं, सब ने अपनी अपनी भावनाएं यहाँ पर प्रकट करी, व्यक्त करी। क्या वो करते हैं टीचर की कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में सबके, और एक गुरु आज भी एक शिष्य बनकर जी रहा है क्योंकि वो जिंदगी में हर कदम पर, हर एक फेज में वो सीखता है। आप अपने टीचर्स के लिए क्या एक मैसेज डेडिकेट करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटूंगी ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर, लोगों के व्यूज लेकर, ओपिनियंस लेकर। इजाजत दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।